स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की जन्म जयंती के मौके पर अथर्वा फाउंडेशन की तरफ से भाजपा विधायक सुनील राणे के द्वारा देश के लिए मर मिटने वाले वीर जवानों के नाम एक भव्य कार्यक्रम रखा गया। यह जवान है स्वर्ण चक्र से सम्मानित श्री मधुसूदन सुर्वे, जिन्होंने न सिर्फ देश के लिए सैकड़ों दुश्मनों को मौत के ढेर उतार दिया, बल्कि कई ऑपरेशन को अंजाम देते हुए उन्होंने अपने दाहिने पैर को गंवा दिया। इस दरमियान विधायक सुनील राणे ने सौर वीर चक्र से सम्मानित मधुसूदन सुर्वे जी का सम्मान करते हुए उनके कटे हुए पैर की जगह एक इलेक्ट्रॉनिक पैर देने का काम किया, बल्कि मधुसूदन जी को एक बार फिर से देश के नाम समर्पित होने के लिए उन्हें प्रेरणा दी। इस प्रेरणा के दौरान उन्होंने खुद आकर यह अपनी बातें रखी और बताया कि किस तरह से देश के लिए वह लगातार आज भी तैयार है और उन्हें मौका मिलता है तो एक बार फिर देश की सेवा में वो मुंडे की आज जन्म जयंती है, उनको मैं आदरांजलि अर्पित। हमारे देश के सैनिक और शौर्य चक्र विजेता जिन्होंने कारगिल के युद्ध से लेके बहुत सारे ऑपरेशनों में हिस्सा लिया, ऐसे हमारे शूरवीर कमांडो श्री मधुसूदन सुर्वे, इन्होंने एक ऑपरेशन में अपने एक पैर को खो दिया था। आज अथर्व फाउंडेशन के माध्यम से उनको इलेक्ट्रॉनिक पांव देने का कार्यक्रम था। इसके लिए हमारे साथ कर्नल राजे, श्री उन्नीकृष्णन, मेजर मनोज सिन्हा, श्रीमती वर्षा राणे और परेश गांधी उपस्थित है। हम सब जानते हैं कि देश की सेवा करते समय बहुत सारे हमारे सैनिक जख्मी होते हैं, बहुत सारे सैनिक इस देश की सीमा को सुरक्षित रखते समय अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं और ये देश के तिरंगे की हिफाजत करते समय अपने प्राणों का बलिदान करते समय अपने प्राणों की कुर्बानी कर देते हैं। ऐसे समय के पश्चात उनके परिवार तक पहुंचने का काम अथर्व फाउंडेशन पिछले 12 वर्षों से करती है। चाहे शहीदों के परिवार के साथ जाते हुए उनको मिलना या फिर शहीदों के बेटियों को आधुनिकता से पढ़ाने के लिए उन तक कंप्यूटर पहुंचाना, देश भर के अलग अलग हिस्सों में मैं स्वयं जाता हूं और हमारे देश के उन शूर वीरों की कहानी आज के हमारे इस पीढ़ी को बताने के लिए हम प्रयास करते हैं और इसके लिए उसी सीढ़ी का एक प्रयास हमारे शूरवीर कमांडो मधुसूदन सुर्वे जी को, जब हमने ये पैर देने का निर्णय किया, इलेक्ट्रॉनिक पैर देने का निर्णय किया, तो हमें लगा कि ये देश भर के हमारे सैनिक है जो हमारे भारतीय लोगों के लिए प्रेरणा देते हैं। लगातार देश भर की चिंताएं बढ़ाने वाला संकेत जब हमें मिलता है, चाहे वो चीन की गलवान घाटी में हिंसक झड़प में बलिदान करने वाले शहीद होने वाले हमारे सैनिक या फिर देश की सीमा सुरक्षित रखते समय पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ शूरता से वीरता से लड़ने वाले हमारे सैनिक, ऐसे सभी सैनिकों के लिए उनके परिवार के लिए काम करने वाला अथर्व चक्र। आज मैं अथर्व फाउंडेशन के सर्वा राणे सर जो है इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने आज मुझे ये जो लिंब दिया है और मुझे दौड़ाने के लिए उन्होंने जो कोशिश करी है, मैं आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ। सही मायने में मैं दौड़ूंगा और मुझे मेरी जो इच्छा है कि मैं एवरेस्ट चढ़ूँ इस पैर से। और देखो अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप पैर से क्या कर नहीं कर सकते। अभी मुझे मालूम है अगर अभी भी अगर किसी शहर में बाढ़ आती है तो इस पैर से, इस टांग से मैं पानी के अंदर कूद सकता हूं, क्योंकि मैं डाइवर हूं, मैं सिर्फ डाइवर हूं, मैं पानी के अंदर कूद के मुझे अगर देश के लिए काम आना है तो मैं किसी जान बचा सकता हूं, क्योंकि इसके अंदर लॉकिंग सिस्टम है और वो जब लॉक होगा तो निकलेगा नहीं, मैं तैर सकता हूं इससे, क्योंकि वो कला मुझे आती है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं इनका इतना अभी
आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो जो भी मेरे साथ मेरे साथी बैठे हुए हैं, कर्नल साहब है, कर्नल राजे साहब है, उन्नी साहब है, गांधी सर ने जहाँ जो यहाँ से प्रयत्न करके मुझे आज खड़ा किया है, राणे सर ने किया है, राणे मैडम ने जो आज जो प्रयत्न करके आज आज मुझे नहीं खड़ा किया, आज मेरी संपूर्ण भारतीय सेना जो है मेरे ऊपर या आप सभी के ऊपर जो गर्व कर रही है, क्योंकि हर क्षेत्र में कोई ना कोई अपना देश के लिए बलिदान देता है, लेकिन उनको पहचानने के लिए, उनके उनके दुख को जानने के लिए राणे सर बाहर निकले हैं, और ये जो सब कुछ ये जो कर रहे हैं उनके लिए आज पूरे देश का साथ होना चाहिए, क्योंकि राजनीति से परे, राजनीति इनके अंदर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे जब मुझे वो मिले थे उन्होंने कभी राजनीति का सवाल नहीं पूछा था, उन्होंने पूछा कि मैं आपको दौड़ के देखना चाहता हूँ, और आज उन्होंने मुझे आज खड़ा किया दौड़ने के लिए।